Hello dear students, today we are going to write a paragraph on Republic Day that is celebrated on 26 January every year. हिंदी में से गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, ठीक है? तो चलिए लिखते हैं एक प्यारा सा पैराग्राफ. Republic Day in India is celebrated with grandeur and patriotic fervor every year on 26 January. आप सब लोग, हम सब लोग पूरी देशभक्ति से इस दिन को 26 जनवरी को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस को. It marks the day when India became truly independent and embraced democracy. ये वो ख़ास दिन है जिस दिन इंडिया यानी कि भारत पूरा तरीके से स्वतंत्र हो गया था और डेमोक्रेसी अपनाई थी. In other words, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, it celebrates the day on which our constitution came into effect. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वो ख़ास दिन है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था. द डे, अब इस दिन क्या होता है? द डे टिपिकली बिगिंस विद द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट राजपथ इन न्यू दिल्ली. क्या होता है, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, करंट प्रेसिडेंट होते हैं, जो आजकल द्रौपदी मुर्मू हैं, वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं राजपथ पर न्यू दिल्ली में. फॉलोड बाय अ मैजेस्टिक परेड शोकेसिंग द कंट्रीज डाइवर्स कल्चर हेरिटेज. और उसके बाद फॉलो करते हैं और होती है एक बहुत बड़ी परेड जिसमें कि इंडिया की डाइवर्सिटी यानी कि जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है अलग अलग स्टेट्स का, वो सब दर्शाते हुए झांकियां निकलती हैं. मिलिट्री पावर्स, मिलिट्री की बड़े बड़े करतब दिखाए जाते हैं, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, और एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स. और जैसे कि इस बार आपने देखा होगा परेड में चंद्रयान का कितना अच्छा एक झांकी निकली थी. रिपब्लिक डे सिंबलाइजेस, रिपब्लिक डे सिंबलाइज करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम सब अलग अलग स्टेट्स हैं पर हम सब एक हैं. एम्फेसाइजिंग, ये जोर देते हुए कि द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी. इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इट्स जर्नी टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिविटी. जय हिंद. ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, आप अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं. इफ़ इट विल हेल्प यू, इफ इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू, डू गिव अ थम्स अप टू द वीडियो. बाय बाय. जय हिंद.